क्या बोलती पब्लिक, मैं गेट भाई फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया। तो भाई लोग आज के वीडियो में ना मैं रिएक्शन देने वाला हूँ एक नहीं दो टीजर के ऊपर जो सेम शो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के ऊपर है। दोस्तों इस शो को उर्दू में रिलीज होने वाला है, ये पाकिस्तान के हम टीवी पे रिलीज होने वाला है। इससे पहले दोस्तों इसका टर्किश वर्जन आ गया है, वो चालू है, उसको डब करने वाले हैं ये पाकिस्तान का जो चैनल है हम टीवी, और उसको रिलीज़ करेंगे हम टीवी के चैनल पे। और मेरे को लगता है जैसे अपना अर्तुरुल आया था, उस्मान आया था, उसी तरह इसको 30 मिनट्स या 25 मिनट्स या 20 मिनट्स या 22 मिनट्स के बना के उसको रिलीज़ करेंगे, और जैसे रेगुलर बेसिस पे उसको डालेंगे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके हम टीवी पे देख सकते हो। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी थे उन्होंने क्रिश्चियंस के से लेके जो अपना जेरूसलम था उसको मुस्लिमों को दिया था, उसके ऊपर मुस्लिम हुकूमत काबिज़ की थी, उसी के ऊपर है। और मेरे को लगता है ये शो भी है उसी के ऊपर होगा, तो मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए। बिकॉज इससे पहले जो उस्मान आया है, उससे पहले जो अर्तुरुल आया, उसने पूरी दुनिया में ही तहलका मचा दिया था। अब देखते हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी किस तरीके का शो है, क्या उन लोगों ने इस शो को अच्छे से बनाया है, जिस तरीके से जो हमारे अर्तुरुल का शो आया था, उस्मान का शो आया था, या और भी बहुत सारे टर्किश शो आए थे, लेकिन ये दो का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज वो इंडिया में भी फेमस है, पाकिस्तान में भी फेमस होंगे और ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। तो दोस्तों बिना वक्त ज़ाया किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, उसके ऊपर अपना रिएक्शन देता हूँ। मैं दो टीज़र के ऊपर अपना रिएक्शन दूंगा, टीज़र जीरो और टीज़र वन पे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टीज़र को, फर्स्ट टीज़र मतलब जो जीरो यानी जिस पे कुछ लिखा नहीं है, जीरो वन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, नॉर्मल टीज़र के ऊपर अपना रिएक्शन देता हूं, और उसके बाद मैं फर्स्ट टीज़र पे भी अपना रिएक्शन दूंगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं हेडसेट लगाता हूं, वीडियो को स्टार्ट करता हूं, और आप लोग फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो को मैंने स्टार्ट कर दिया है। अपना मकसद लेकर पैदा हुए हो, मुसलमानों को मुत्तहिद करके इस मुकद्दस सरजमीन को जाबिरों से आजादी दिलाओगे। बहुत ही अच्छा, अभी तक तो मेरे को टीजर अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है, स्केल बड़ा है। ये है तुम्हारा मकसद, ये है तुम्हारा मकसद। सलाहुद्दीन अयूबी जल्द आ रहा है। तो पब्लिक एक टीजर तो मैंने देख लिया, अब दूसरा टीजर देखता हूं और उसके ऊपर अपना रिएक्शन देता हूं। ये महज एक शहरी नहीं, एक मकसद है। एक जब मकसद तक है। इस मुकद्दस सरजमीन पर जाबिर हुक्मरान रहेगा, मुसलमान मजबूर रहेंगे। आज तमाम आलम इस्लाम उस मुजाहिद की राह देख रहा है जो फिर से अदल व इंसाफ का बोलबाला कर दे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जल्द आ रहा है। तो दोस्तों टीजर वन और टीजर टू मैंने दोनों देख लिया है। मेरे को दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टीजर लगा है, ऐसा लग रहा है बहुत ही बड़े स्केल पे बनाया गया है। स्टार कास्ट में दोस्तों मेरे को सिर्फ वो जो मेन जिनको सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी कहा जा रहा है, मतलब जिनको वो कैरेक्टर दिया गया, उनको मैंने अर्तुरुल में देखा था। वो अर्तुरुल में तूतगिन का किरदार उन्होंने निभाया था। अब देखते हैं कि इसके अंदर वो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का किरदार किस तरीके से निभाते। लेकिन दोस्तों मेरे को जो सेट थे ना बहुत अच्छे लगे, उर्दू लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी लग रही है, बाकी के जो कैरेक्टर थे अच्छे लग रहे हैं, और एक अच्छा ऐसा लग रहा है कि बड़े पैमाने पर बनाया गया है। इससे पहले हम लोगों ने अर्तुरुल देखा था जो उर्दू में रिलीज़ होते ही छा गई थी पूरी दुनिया में, बाद में उस्मान आया जो बहुत ही अच्छा शो है जिसको बहुत ही पब्लिक देखती है। अब क्या जो ये नया शो आने वाला है सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी, क्या ये भी उसी तरीके से पूरी दुनिया में फेमस होगा? दोस्तों वो तो मेरे को नहीं पता, जब इसका ट्रेलर आएगा और शो रिलीज़ होगा उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी मेरे को टीज़र देख के अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको ये मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना।